तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स के बारे में, उसके नेचर के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपके सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रियल कोएफिशिएंट्स हम लेंगे और उसका डिस्कशन करेंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके जितने भी कोएफिशिएंट्स हैं वो रियल है, ए बी सी तीनों ही रियल हैं, और यहाँ पर जो लीडिंग कोएफिशिएंट यानी ए होगा वो जीरो नहीं होगा। और अगर सिचुएशन ऐसी होती है तो जो रूट्स मिलते हैं वो आपको मिलते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए, यानी कि आपको श्रीधराचार्य जी के फॉर्मूले से मिलते हैं। और यहाँ पर जो ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है, ये जो क्वांटिटी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है, इसे हम डी यानी कि डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, और नेचर ऑफ रूट्स डी पर ही डिपेंड करता है। मैंने क्या कहा कि जो नेचर ऑफ रूट्स है वो कंप्लीटली डिपेंड करता है डी पर, और डी एक डिस्क्रिमिनेंट के नाम से जाना जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर। अब जरा मेरी बात सुनिएगा, डी पर कैसे कैसे जो है वो नेचर डिपेंड करता है, मेरी बात सुन। देखिए सबसे पहले यहां पर हम एक बार फॉर्मूला लिखते हैं। तो एक्स होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए। अब ये जो क्वांटिटी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है, ये डी है एक्चुअल में, तो यहां पर मैं डी लिख लेता हूं। अब दो बातें हैं भाई, या तो ये डी जीरो होगा या डी जीरो नहीं होगा। अगर डी जीरो हुआ तो आपके दोनों ही, देखो डी जीरो हुआ तो प्लस माइनस ऑफ जीरो हट जा भाई, माइनस बी बाई टू ए ही आपके दोनों आंसर आएंगे, और ऐसा आमतौर पर परफेक्ट स्क्वायर्स में होता है। जरा सुनिएगा, मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो, ये क्वाड्रेटिक दी हुई है। अब इसका आप जो डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे वो जीरो आएगा, और अगर आप इसे ध्यान से देखते हैं तो ये लिखा हुआ है एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, तो यहां से एक्स के दो ही आंसर आ रहे हैं और दोनों माइनस टू आ रहे हैं, दोनों ही आंसर माइनस टू आ रहे हैं। तो इसे कहते हैं रियल एंड इक्वल रूट्स, और ये सिचुएशन तब पैदा होती है जब आपका डिस्क्रिमिनेंट जीरो होगा, उस टाइम पर दोनों ही रूट्स आपके बराबर आएंगे। तो जब आपका डी जीरो के बराबर होगा तो आपके रूट्स रियल एंड इक्वल आएंगे, और वो दोनों ही रूट जो है वो टू आएंगे, एल्फा और बीटा दोनों ही माइनस बी बाई टू आएंगे। एक बात, ये जब हुआ जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो है। अब अगर जीरो नहीं है तो छोटा होगा या बड़ा होगा? अगर बड़ा होगा और छोटा होगा, तो पहले छोटे की बात करते हैं, छोटे को निपटाते हैं। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो हुआ तो रूट में नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया तो जो रूट्स आएंगे वो रियल तो नहीं आएंगे, इमेजिनरी रूट्स आएंगे। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो से छोटा हुआ तो जो आपके रूट्स आएंगे वो इमेजिनरी आएंगे। तो इमेजिनरी में भी रूट्स ऐसे आएंगे, एक रूट आएगा p प्लस आयोटा q और एक रूट आएगा p माइनस आयोटा q, यानी एक दूसरे के कॉन्जुगेट बोलते हैं इस चीज को, एक दूसरे के कॉन्जुगेट रूट आएंगे। और ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए मान लीजिए रूट के अंदर आया, बात करते हैं रूट के अंदर आया d माइनस फोर, तो ये जो रूट ऑफ माइनस फोर है ये तो आपका टू आयोटा हो गया, और आपका जो फॉर्मूला है वो है माइनस बी प्लस माइनस टू आयोटा बाय 2a। इस तरीके से आपका फॉर्मूला है, ये चीज हो गई 2 आयोटा। तो अब जो आपके आंसर आएंगे वो आएगा समथिंग प्लस 2 आयोटा और समथिंग माइनस 2 आयोटा। और अगर इस पूरी बात को सॉल्व करके मान लो 5 आ गया, तो रूट तो दो ही आए ना, 5 प्लस 2 आयोटा और 5 माइनस 2 आयोटा। तो अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट जीरो से छोटा है तो आपके इमेजिनरी रूट्स आएंगे, एक बात, और जो इमेजिनरी रूट्स आएंगे वो भी इस प्रकार आएंगे, p प्लस आयोटा q और p माइनस, यानी कि एक दूसरे के कॉन्जुगेट आएंगे। ये बात हुई जब d जीरो से छोटा होगा। अच्छा अगर d जीरो से बड़ा हुआ तो रूट्स आपको मिलते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो रूट्स आपको मिलते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट, डिस्क्रिमिनेंट ही जीरो से बड़ा हो गया। आओ इसे भी देखते हैं एक बार भाई, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, तो ये आपका टूट जाएगा भाई, माइनस फाइव एक्स टूट जाएगा आपका माइनस टू और माइनस थ्री में, तो यह जाएगा एक्स माइनस टू और यह जाएगा एक्स माइनस थ्री, यहां से दो रूट आ जाएंगे आपके टू और थ्री। ये वो सिचुएशन है जब आपका डिस्क्रिमिनेंट जीरो से बड़ा होगा, तो आपके रूट जो आएंगे वो रियल आएंगे एंड डिस्टिंक्ट आएंगे, अलग अलग रूट आएंगे। तो यहां पर आपका डी जीरो से बड़ा होगा तो आपके रूट जो आएंगे वो रियल और डिस्टिंक्ट आएंगे।
अच्छा, इसमें भी बड़ी एक शानदार बात है कि अगर ये वाला जो डी है, अगर ये डी परफेक्ट स्क्वायर हुआ, अगर डी हुआ है परफेक्ट स्क्वायर, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, डी अगर परफेक्ट स्क्वायर हो गया, डी हो गया 16, तो रूट ऑफ 16 आ जाएगा 4, रूट ऑफ 16 आ जाएगा 4, ये चीज मान लो, और ये 5, तो 5 + 4 और 5 - 4, रूट तो फिर रैशनली आएंगे ना, इरेशनल तो आ ही नहीं पाएंगे। इरेशनल कब आएंगे? जब रूट रहे। रूट कब रहेगा? जब उसके अंदर जो डिस्क्रिमिनेंट है वो परफेक्ट स्क्वायर ना बने। तो अगर परफेक्ट स्क्वायर बना तो फिर रूट्स आपके रैशनल हो जाएंगे। रूट्स आपके क्या हो जाएंगे? रैशनल। लेकिन इन केस डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता है तो फिर आपके जो रूट्स आएंगे ना, भाई डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना, डी बन गया 17, तो आपका आंसर तो ऐसा आया ना, 5 + √17, 5 - √17। अगर ऐसा आंसर आया तो ऐसे को तो इरेशनल कहते हैं ना। आंसर आपका कैसा आएगा? p + √q और p - √q। तो अगर डी जीरो के बराबर है तब आपके रियल एंड इक्वल आएंगे और उस केस में परफेक्ट स्क्वायर बनता है। क्वाड्रेटिक ही परफेक्ट स्क्वायर बनती है अगर डी जीरो के बराबर है तो। डी जीरो के बराबर नहीं है तो जीरो से छोटा होगा तो इमेजिनरी रूट्स आएंगे और दोनों इमेजिनरी रूट्स एक दूसरे के कॉन्जुगेट आएंगे, p + iota³ p - iota³। डी अगर जीरो से बड़ा है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे और रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स भी मैंने बताया रियल एंड डिस्टिंक्ट आएंगे और उसके अंदर भी अगर मैं घुस के बात करूं और उसके अंदर भी डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर बनता है तो रूट्स आपके रैशनल आएंगे, नहीं बनता है रूट्स इरेशनल आएंगे। और एक बात और, अगर आप देख पा रहे हैं कि डी परफेक्ट स्क्वायर है और a आपका 1 है और bc जो है इंटीजर्स हैं, तो आपका जो भी रूट आएंगे वो आपके इंटीग्रल रूट्स आएंगे। और ये सारी चीजें जब आप कर रहे होंगे तो आपको एक्सपीरियंस से ये बातें सारी समझ में आएंगी।